हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जनरेटर बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि 3.7 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर डीसी मोटर, गियर मोटर, एलईडी लाइट सब कुछ चला देता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये कमाल के जनरेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक डीसी मोटर जो कि किसी भी टॉय के अंदर से निकल जाती है और ये सभी के पास होती है। और एक हमें चाहिए यहाँ पर 12 वोल्ट की मोटर जो कि गियर बॉक्स था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखो ऐसा जो गियर बॉक्स है उसमें से निकाली थी मैंने। तो आप कोई सी भी 12 वोल्ट से चलने वाली डीसी मोटर ले सकते हो। और एक हमें नॉर्मल मोटर चाहिए जो कि किसी भी टॉय से निकल जाती है, 5 वोल्ट से चल जाती है। तो इसमें मैंने एक पेन का यहाँ पर लीड होता है उसका यहाँ पर पीस कट करके इस मोटर पर फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो हमारी 12 वोल्ट की मोटर है उसके साथ भी इसे चिपका देना है। तो फटाफट से मैं चिपका देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने यहाँ पर पुराने प्रोजेक्ट की पीवीसी पाइप की शीट ले ली है जिससे कि मैंने इसे पटिया टाइप का बना दिया है 4 टुकड़े लगा के। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमने जो मोटर को चिपकाया था उसे इस पर फिट करना है। तो यहाँ पर पीवीसी पाइप के छोटे छोटे टुकड़े कट करके मैं यहाँ पर फिट कर दूंगा इस मोटर को। ये मोटर थोड़ी ऊँची हो रही है तो मैं फटाफट से फिट कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद में हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोटर को फिट कर दिया। अब हमें एक SPST स्विच चाहिए और एक बैटरी चाहिए। लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सी भी 3.7 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन में पहले कर देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ। तो चलिए भाई, फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिया है, कनेक्शन बिल्कुल हलवा है। तो यहाँ पर एक बैटरी का वायर सीधा गया मोटर में और एक बैटरी का वायर गया है स्विच में और स्विच का एक और वायर गया मोटर में। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। और ये 12 वोल्ट की मोटर में 2 वायर हमने निकाल दिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जनरेटर बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते। तो यहाँ पर जितनी भी 12 वोल्ट से चलने वाली चीज़ें तो मैं आपको चला कर दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से वर्क कर रहा है। तो एक बार हम इसका यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देखो मैंने ऑन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो 14 वोल्टेज यहाँ पर जनरेट कर रही है। आप देखिए अगर बैटरी और चार्ज होती तो ये 16-17 पे भी चले जाता। तो चलिए अब फटाफट से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक कोब LED का यूज़ करने वाला हूँ 12 वोल्ट की। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, एंड स्क्रीन में शो हो जाएगी। तो फटाफट से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देखो मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए गाइस, काम कर रही है, 12 वोल्ट की LED है। और गाइस, यहाँ पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा वर्क करेगा जनरेटर। मैंने मन किया तो ऐसे ही बना दिया। और यहाँ पर आप देखो नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल रियल वीडियो, कोई भी फेक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो LED अच्छे से वर्क कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, और भी 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली चीज़ें हम चला कर देखते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गियर मोटर चला कर दिखाने वाला हूँ जो कि 12 वोल्ट का है, जिससे कि हमने जनरेटर बनाया है, मतलब इसका गियर बॉक्स हटा के। तो आप कुछ शॉर्ट देखो, मैं एक एक चीज़ चला कर दिखाऊँगा। तो होपफुली फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस जनरेटर की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने देखा यहाँ पर 12 वोल्ट की DC मोटर भी चला दी, गियर मोटर भी चला दी और LED कोब LED भी चला दी। और काफ़ी अच्छा जनरेटर, मैंने इतना सोचा नहीं था गाइस कितना अच्छा वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कमाल का जनरेटर कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ऐसी कमाल के प्रोजेक्ट की वीडियो मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।